त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम् न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम् ये भगवत गीता श्री भगवान का मुखारविंद से निर्गत हुआ वाणी है। ये वाणी केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं है, ये सारे पृथ्वी के लिए हैं, ये सारे मनुष्य समाज के लिए है। भगवान जो कुछ कह रहे हैं ये भगवत गीता में, वो सब के लिए ही है। भगवान भगवत गीता में हमें ये समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम कि हम सब हमारे स्वरूप में चिन्मय आत्मा है। हमारे ये शरीर जो है, ये शरीर एक आवरण है, परंतु इस भौतिक जगत में हम सब हमारे भ्रांति के कारण, हमारे स्वरूप को भूल जाने के कारण हम सोचते हैं कि हमारे ये शरीर ही हमारा स्वरूप है। परंतु जब हम हमारे शरीर को हमारा स्वरूप समझते हैं, तब हम इस भौतिक जगत के सारे तीन प्रकार के क्लेश हमें मिलता है। ये शरीर एक क्लेश प्राप्ति का ही यंत्र है। ये शरीर के माध्यम हम सुख प्राप्ति के प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, परंतु ये शरीर के माध्यम हमें सुख कभी नहीं मिल सकता है। और ये शरीर ही हमारा बंधन का कारण है इस भौतिक जगत में। भगवान अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि ये शरीर को अपना स्वरूप समझने के कारण और अपना शरीर के साथ जिनका संपर्क है उनको अपने रिश्तेदार समझने के कारण अर्जुन का ये मोह उत्पन्न हुआ है। और भगवान उस मोह दूर करने के लिए अर्जुन को बता रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये भूल सुधारने का प्रयत्न भगवान यह कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन, ऐसा कभी समय नहीं था जब हम सब यहाँ नहीं थे और हमारे सामने ये जो राजा महाराजा जो लड़ाई करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने और तुम और हम सब हर समय ही यहाँ था और हर समय ही हम यहाँ रहेंगे। न तू एव जातु नासं न त्वंग नेमे जनाधिपा। जनाधिपा, जनाधिपा का मतलब जन मतलब मनुष्य और अधिप का मतलब है राजा। जो मनुष्य का जो राजा है, कुरुक्षेत्र का जब युद्ध जब शुरू होने वाला था तो बहुत सारे राजा वहाँ इकट्ठा हुए थे। कोई पांडव की पक्ष अवलंबन किया और कोई कौरव का पक्ष
अवलंबन किया और करके वो सब लड़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। तो तब अर्जुन ने कृष्ण को अनुरोध किया, चलो कृष्ण ये दोनों सैन्य के बीच में रथ लेकर हमें दिखना लेकर चलो, हम देखना चाहता हूँ कि किसके साथ हमारे हमें लड़ाई करना पड़ेगा। और जब अर्जुन जब देखा उनका विपक्ष में उनके भीष्म जैसा, उनका पितामह द्रोणाचार्य जैसा आचार्य दुर्योधन उनका भाई था, चचेरा भाई था, और अश्वत्थामा कृपाचार्य ये सब बहुत उनका अपना आदमी थे, बहुत निकट आत्मीय था उन लोग। तो अर्जुन को तब शोक उत्पन्न हुआ। अर्जुन सोचने लगा कैसे हम इन सब के साथ लड़ाई करेंगे, संग्राम करेंगे, क्योंकि ये संग्राम में, ये लड़ाई में हमको उन्हें उन सब को हत्या करना पड़ेगा। तो हम कैसे अपना भीष्म जैसा पितामह को और द्रोणाचार्य जैसा गुरुदेव को और दुर्योधन दुशासन अपना भाई अश्वत्थामा उनका दोस्त था, बंधु था, मित्र था, तो इन सब को हम कैसे हत्या करेंगे। तो जब ऐसे अर्जुन जब अपना शोक प्रकाश करते हुए भगवान को समझाया, भगवान को बोलना शुरू किया कि देखो कृष्ण ये संग्राम मैं नहीं कर सकूंगा, ये कहकर अर्जुन ने अपना धनुष अपना बाण त्याग दिया और रथ पर बैठ के उन्हें भगवान को ये अनुरोध कर रहा था कि भगवान कृष्ण ये संग्राम मैं नहीं कर सकूंगा। तब भगवान अर्जुन को समझाना शुरू किया। तो पहले ही भगवान यहाँ कह रहे हैं, पहले याद है आपको भगवान क्या अर्जुन को पहले क्या बताया, भगवान अर्जुन को बताया कि अशोच्यान अनुशोचस्त्वान प्रज्ञावादंश च भाषसे गता सुनगता सुंस च नानु सोचन्ति पंडिता। मतलब अर्जुन तुम एक पंडित जैसे बातें कर रहे हो परंतु असल ज्ञान तुमको नहीं है, क्योंकि जिस विषय में शोक करना नहीं चाहिए उस विषय पर तुम शोक कर रहे हो और ऐसे पंडित जैसे बातें कर रहे हो। जो असल में जो ज्ञानी है, जो पंडित है, जिसको तत्व ज्ञान है, वो कभी इस विषय में नानु सोचन्ति पंडिता अनुसोचना नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं। तो ये समझाते हुए भगवान अब अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम शोक कर रहे हो किसकी विषय में, ये शरीर के विषय में तुम शोक कर रहे हो, परंतु ये शरीर जो है, ये शरीर तो नाशवान है, ये हर व्यक्ति का शरीर नाशवान है, कभी ना कभी ये शरीर का अंत होगा ही होगा। भगवान बताया जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवश्य ही होगा, जातस्य ही ध्रुवं मृत्युर् और ध्रुवं जन्म मृतस्य च, और जिसका मृत्यु हुआ उसका भी जन्म होगा ही होगा। तो ऐसे समझाते हुए भगवान अर्जुन को तत्व ज्ञान दे रहे हैं कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या है। तो ना तु एव जातु ना संग न त्वंग ने मे जनाधिप, ये न तुम अर्जुन, अर्जुन तुम, मैं और हमारे सामने खड़े हुए हैं ये जो नराधिप हैं, नरपति हैं, इन लोगों ने
ऐसा कभी समय नहीं था कि जब हम नहीं थे, और ऐसा समय कभी नहीं होगा जब हम नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप में हम जो आत्मा हैं, वो आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। ये शरीर, आत्मा शरीर ग्रहण करता है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, और कपड़ा जब पुराना हो जाता है या गंदा हो जाता है, तो हम वो पुराना कपड़ा उतार कर नया कपड़ा पहनते हैं। तो ऐसे ही हम ये शरीर पहने हुए हैं। कपड़ा जैसा हमारा शरीर का आवरण है, वैसे ही ये आत्मा का, ये शरीर आत्मा का आवरण है। तो ये आवरण हमारा स्वरूप नहीं है, ये केवल एक आवरण है। तो ये आवरण हम ग्रहण करते हैं और इसको उतार देते हैं। उतार कर जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम नया कपड़ा पहनते हैं। वैसे ही शरीर जब पुराना हो जाता है तब हम नया शरीर ग्रहण करते हैं। तो हम जब नया शरीर ग्रहण करते हैं तब उसको हम जन्म कहते हैं, और जब पुराना शरीर को जब हम त्याग देते हैं तो उसको हम मृत्यु कहते हैं। और ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसको हम जीवन कहते हैं। जब तक हम शरीर में हैं तब तक हम जिंदा हैं, और जब हम शरीर त्याग देते हैं तो हम, यह शरीर का मृत्यु होता है। मृत्यु किसका होता है? शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। तो ये इस ज्ञान अर्जुन को भगवान दे रहे हैं। और असल में अर्जुन के माध्यम भगवान हमें ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, हमें भगवान समझा रहे हैं, है ना। इस ज्ञान को प्राप्ति होना बहुत ही जरूरी है। जब हमें इस ज्ञान को प्राप्ति होता है तब हमें पता चलता है कि इस भौतिक जगत हमारा असल रहने का जगह नहीं है। इस जगत में हम कुछ समय के लिए आए हैं, परंतु हमारा असल निवास भगवत धाम में है, वैकुंठ लोक में है। तो ये तो आगे जाकर भगवान अर्जुन को ये विषय समझाएंगे। तो ये हम सबको समझना चाहिए कि ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये केवल भारतवासियों के लिए नहीं है। भगवत गीता का जो ज्ञान है ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। भगवत गीता का जो ज्ञान दिए हैं भगवान, वो हर मनुष्य के लिए है। हर मनुष्य को ही इस ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और जब हमें इस ज्ञान प्राप्ति होता है तब धीरस्तत्र न मुह्यति, तब हमारा मोह नहीं रहता है, तब हम पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्ति हो जाता है, तब मृत्यु से कोई डर नहीं रहता है, और इस जीवन से हमारा कोई आसक्ति नहीं रहता है। और ये जीवन, मनुष्य जीवन का असल उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का असल उद्देश्य है भगवान के साथ हमारा जो नित्य संपर्क है वो संपर्क स्थापन करना। बहुत सारे प्राणियां हैं, जैसे जानवर हैं, पंछी हैं, कीड़े हैं, वो भी सब प्राणी हैं, उनको भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी, उसका भी जीवन है, परंतु उसको अपना स्वरूप के विषय में जानने का कोई अवसर नहीं है। दूसरे प्राणियों को ये तत्व ज्ञान प्राप्ति का संभावना नहीं रहता है।
परंतु जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है तब हम ये प्रश्न कर सकते हैं, हाँ मैं कौन हूँ। कोई जानवर नहीं पूछ सकता है कि मैं कौन हूँ, भगवान है या नहीं। ये प्रश्न केवल मनुष्य की ही संभव होता है और मनुष्यों ने ये प्रश्न का जवाब भी उनको मिल सकता है। प्रश्न का जवाब कैसे मिल सकता है? जिस विषय में हमें ज्ञान नहीं है उस विषय में अगर हम ज्ञान प्राप्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसे शिक्षक के पास जाना पड़ेगा जिसके पास ये ज्ञान प्राप्ति का संभावना रहता है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब ये भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है या भौतिक जगत के परे जो आत्मा है और जहाँ भगवान विराजमान हैं, उस विषय के, उस जगत के बारे में अगर हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए तो हमें एक आध्यात्मिक गुरु के पास ही वो ज्ञान हमें प्राप्त होते होना पड़ेगा। उस आध्यात्मिक गुरु से ही इस ज्ञान हमें मिल सकता है। और आध्यात्मिक गुरु ने, सद्गुरु जो ज्ञान देते हैं वो कौन सी ज्ञान देते हैं? वो कोई अपना बनावट कोई ज्ञान नहीं देते हैं, वो भगवान भगवत गीता में जो ज्ञान प्रदान किए हैं उस ज्ञान को ही प्रदान करते हैं। जो ज्ञान, असल ज्ञान जो है जिसे तत्व ज्ञान कहा जाता है, वो तत्व ज्ञान एक और अद्वितीय है, उसका कोई दूसरा नहीं है। जैसा सूरज, सूरज के विषय में जो ज्ञान जो है, जैसा सूरज, सूरज से रोशनी मिलता है, सूरज पूर्व दिगंत में उसका उदय होता है और पश्चिम दिगंत में उसका अस्त होता है, तो ये ज्ञान का कोई फर्क कोई हो सकता है? जिसको जिसको सूरज के बारे में ज्ञान है वो सब एक ही सूरज के बारे में एक ही विषय बताएंगे कि सूरज रोशनी का स्रोत है, सूरज से किरण मिलता है, सूरज से ताप मिलता है, सूरज कहाँ, सूरज का उदय कहाँ होता है? पूर्व दिक में सूरज का उदय होता है और पश्चिम दिक में सूरज का अस्त गमन होता है। कोई कब जो जिसके सूरज के बारे में ज्ञान है वो क्या कभी बोलेगा कि सूरज का उदय उत्तर कोने में होता है और उसका अस्त पर दक्षिण कोने में होता है? नहीं, कभी नहीं। तो ऐसे ही तत्व ज्ञान जो है वो एक है और उसका उसका कोई दूसरा नहीं हो सकता है। भगवान एक है और भगवान का विषय में जो ज्ञान है वो भी एक है और भगवान के बारे में जिसको ज्ञान है वो एक ही बात ही बताएंगे, चाहे वो भारत के रहने वाले हो या इंग्लैंड के रहने वाले हो, चाहे वो अफ्रीका के रहने वाले हो या अमेरिका के रहने वाले हो। उसीलिए भगवान बताए हैं इस भगवत गीता में कि ये भगवत तत्व ज्ञान प्राप्ति का जो तरीका जो है वो एक विशेष रूप से प्राप्त होना चाहिए। कैसे? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात मतलब नम्रता के साथ गुरुदेव के सामने जाकर प्रश्न करना। कैसे? परिप्रश्न, ऐकांतिक रूप से प्रश्न करना चाहिए, जानने के इच्छा लेकर उनके पास प्रश्न करना चाहिए और सेवा के द्वारा उनको संतुष्टि विधान करना चाहिए, तब उन्हें इस ज्ञान उपदेश प्रदान करेंगे, उस ज्ञान को दान करेंगे क्योंकि उनके पास इस ज्ञान है। इसके अलावा इस ज्ञान प्राप्ति के और दूसरा कोई उपाय नहीं है।
जिसके पास कोई वस्तु नहीं रहता है वो कभी उस वस्तु को किसी को दान नहीं कर सकते हैं। ये तत्व ज्ञान वो ही दे सकते हैं जिसके पास इस वस्तु है। और भगवान ये भी कह रहे बताए हैं कि गुरु का जगता वही होता है कि जो भगवान को जानते हैं वही केवल गुरु बन सकते हैं। मतलब भगवान के विषय में शिक्षा वही दे सकते हैं जो भगवान को जानते हैं। जो भगवान को नहीं जानते हैं वो कभी भगवान के बारे में शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे भगवत तत्वज्ञान प्राप्ति का जो तरीका है, जो उपाय है, इसको एक सही ढंग से ग्रहण करना चाहिए। तो इस भगवत तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं ये हमारे बहुत आनंद के कारण बन रहा है। बहुत ये देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रहा है कि आप लोग भगवत तत्वज्ञान प्राप्ति का इच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इंग्लैंड में रहकर भी आप भारतीय संस्कृति को अनुशीलन कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में भगवत भक्ति को प्रयत्न कर रहे हैं। इट इज़ वेरी प्रेज़वर्दी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। Does anybody have any question? महाराज आप कह रहे थे कि ये शरीर दुख प्राप्त करने का यंत्र है और आत्मा शरीर बदलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर अनंत काल तक फिर हमें सिर्फ दुख ही मिलता रहेगा, तो हम इस दुख के चक्कर से कैसे निकल सकते हैं? हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न था। दुख प्राप्ति से हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है? देखो, ये शरीर के कारण ही हमें दुख मिल रहा है, और जब तक हम सोचते रहेंगे कि ये शरीर हमारा स्वरूप है तब हमें दुख ही दुख मिलेगा। परंतु जब हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा कि हम ये शरीर नहीं हैं, हमारा स्वरूप में हम आत्मा हैं, और उस आत्मा ज्ञान में जब हमारा स्थिति होगा तभी हमें इस दुख की जगत से छुटकारा मिलेगा, और ये दुख प्राप्ति से दुख प्राप्ति का अवसान होगा, समाप्ति होगा। हमारा आत्मा स्वरूप में स्थिति प्राप्ति के उपाय केवल भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ना। उसीलिए भगवत ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का जरूरत होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब होता है कि मैं जो आत्मा हूँ इस ज्ञान, और जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब ये शरीर के माध्यम जो क्लेश हमें मिल रहा है उस क्लेश से हमें छुटकारा मिलेगा, तब ये क्लेश का समाप्ति होगा। प्रश्न मुझे करना था कि ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रयत्न करते हैं कि वो आत्मा ज्ञान के बारे में समझे और सीखे, और कोई कोई व्यक्ति नहीं करते हैं? देखो, ये भगवत तत्व ज्ञान प्राप्ति का जो इच्छा, ये दो विषय के ऊपर निर्भर करता है। एक है इस ज्ञान प्राप्ति के अवसर, मतलब कोई ऐसी व्यक्ति के साथ उनका मुलाकात हो जिसके पास ये ज्ञान है और वो उस ज्ञान को प्रदान करते हैं, और दूसरी बात ये है कि अपना इंटरेस्ट। तो ये दो विषय सुकृति के ऊपर निर्भर करता है। बताया गया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज।
ये ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए जीवों को गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भगवत भक्ति के ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो कैसे इस ज्ञान को प्राप्ति होता है? जब कोई भगवान के भक्त के साथ जब संपर्क बनता है। ऐसे देखो, जैसे तुम लोग इंग्लैंड में हो, लंदन में रहते हो, यहाँ तो ये ज्ञान प्राप्ति का संभावना नहीं था, परंतु श्रील प्रभुपाद यहाँ आकर इस ज्ञान को प्रदान किए हैं। इस्कॉन की माध्यम इस ज्ञान का प्रचार हो रहा है, उसके कारण तुम्हें ये मौका मिला है, है ना? अगर प्रभुपाद नहीं आते थे तो इस ज्ञान प्राप्ति का मौका तुम्हें नहीं मिलता था। तो ये जो सुजोग जो मिला है, इसे सुकृति कहा जाता है। पूरब में ऐसे कोई भला काम तुम किए हो जिसके कारण इस ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, और बहुत सारे आदमी को मिलने का संभावना है, परंतु वो ग्रहण नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनका सुकृति नहीं है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, ये उनका एक परम सौभाग्य है, और ये एक दुर्लभ संपद है। ये संपद कोई बहुत कीमती, कोई दुर्लभ, कोई संपद जब मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? उस संपद का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो ये भगवत तत्व ज्ञान का जो दौलत हमें मिला है, इसको पूर्ण सदवैव सदउपयोग हमें करना चाहिए। और कैसे हमें करना चाहिए? कि भगवान जो ज्ञान प्रदान किए हैं भगवत गीता के माध्यम, उसके अनुसार हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। ऐसा क्यों है कि हमें जब पता है कि इस धरती पर सिर्फ दुख ही दुख है, तो हम यहाँ बार बार क्यों वापस आते हैं? हम आना चाहे या नहीं चाहे, सवाल वो नहीं है। सवाल है कि हमें असल में हमें यहाँ आना ही पड़ता है, है ना? ये जो आना जाना जो है इस धरती पे, ये कर्म के कारण होता है। हम इस जन्म में जैसे कार्य करते हैं, उस कार्य के मुताबिक, कर्म के अनुसार हमें दूसरा शरीर मिलता है। वैसे देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें बहुत अच्छा जन्म हो, परंतु हमारे इच्छा के मुताबिक तो वो नहीं मिलता है। हम जो चाहता है उसके अनुसार हमें ये प्राप्ति नहीं होता है, परंतु प्रकृति के नियम के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार हमें दूसरा जीवन मिलता है। असल में बात यह है कि इस धरती पे, इस जगत में हम किसी भी शरीर में आए, किसी भी स्थिति में हम आए, हमें केवल कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो उसीलिए इस कष्ट के जो जगत है, कष्ट प्राप्ति के दुखालयम, दुख प्राप्ति के जे ये जो जगत है, इस जगत से हमें चले जाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कहाँ जाना है? जहाँ से हम आए हैं वहाँ वापस जाना पड़ेगा। और वो जगह कहाँ है? वो है भगवत धाम, इस भौतिक जगत के परे। और एक आध्यात्मिक जगत है, चिन्मय जगत है, जहाँ भगवान विराजमान है, वहाँ हमें वापस जाना पड़ेगा। और वहाँ जाना तभी संभव होगा जब हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ लेंगे। तो वो ज्ञान प्रदान करने के लिए ही भगवान यहाँ आकर भगवत गीता के माध्यम हमें समझा रहे हैं, हमें राह दिखा रहे हैं, कहाँ और कैसे हमें हमारा नित्य धाम में वापस जाना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे बोल।